नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल निशांतिका में। आज जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो मैं लेकर आई हूँ, कौन सा? ब्रायोफाइटा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्रायोफाइटा क्या है, आप लोगों ने पढ़ा ज़रूर होगा लेकिन समझ आना थोड़ा कोई इजी बात नहीं है, थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स जो हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे। तो इस वीडियो के बाद जो है आपको दोबारा अगर कभी आपको ब्रायोफाइटा की ज़रूरत हो कहीं भी किसी भी स्टेज पर, तो आपको जो है वो ये क्लियरली वीडियो अगर देख लोगे तो समझ बिल्कुल आ जाएगी, ठीक है? तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ब्रायोफाइटा, अब इसका नाम भाई ब्रायोफाइटा ही क्यों रखा, दूसरे भी इतने नाम हैं, ब्रायोफाइटा ही क्यों रखा? अब भाई इसका भी नाम रखने की कोई वजह थी, ठीक है? ब्रायोफाइटा जो है वो दो लफ्ज़ों को तोड़ा गया, एक तो ब्रायो, दूसरा है फाइटा। अब इनका ब्रायो का मतलब है मॉस और फाइटा का मतलब है प्लांट। जो मॉस वाले प्लांट होते हैं वो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ठीक है? अगर आपको कहीं भी अब मॉस वाले प्लांट नज़र आ जाएंगे तो आप समझ जाइएगा ये जो है ब्रायोफाइटा है, ठीक है? सिंपल वर्डिंग समझ आ गई कि ब्रायोफाइट वही है जो मॉस वाले प्लांट्स होते हैं, ठीक है? अब दूसरा इसका पॉइंट है कि ये नॉन वेस्कुलर है। अब भाई ये नॉन वेस्कुलर क्यों है? क्योंकि जिस वेस्कुलर कहते हैं जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट हो, लेकिन ये जो है नॉन वेस्कुलर है, मतलब जाइलम और फ्लोएम जो है वो एब्सेंट है, ठीक है? अब जाइलम और फ्लोएम क्या है? जाइलम जो है वाटर कंडक्टिंग प्रोडक्ट है इन द प्लांट, और फ्लोएम जो है फूड कंडक्टिंग प्लांट है। पौधों के अंदर जो प्रोटीन्स शुगर्स बनते हैं वो सारे फ्लोएम ही कंडक्ट करता है, ठीक है? अब इसके अंदर जो ब्रायोफाइट्स जो है, इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों ही जो है वो एब्सेंट है, ठीक है? अब आगे चलते हैं। कहते हैं ब्रायोफाइट्स आर द प्लांट विच आर कंसीडर बिटवीन अल्गी एंड टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट जो हैं वो ना ही अल्गी है ना ही टेरिडोफाइट्स है, लेकिन उनके दरमियान पाया जाता है, ठीक है? इन्हें भी नीड होती है वाटर की, विदाउट वाटर दे कैन नॉट सर्वाइव दैम, ओके? लेकिन ये जो है, अब आप लोग कह रहे हैं कि अलगी भी तो ऐसी है, टेरिडोफाइट्स भी ऐसी हैं कि जहाँ पर पानी हो, जहाँ पानी हो वहीं पर ही ये पाए जाते हैं। लेकिन भाई ये वाकई में इनको ज़रूरत होती है पानी की, लेकिन बिल्कुल इनकी तरह नहीं दिखते, इनकी शेप इनकी साइज़ बिल्कुल डिफरेंट होती है इन दोनों से, ठीक है? तो इसीलिए इन्हें कंसिडर किया गया इन दोनों के दरमियान में कि ब्रायोफाइट्स आर द प्लांट विच आर कंसिडर बिटवीन अलगी एंड टेरिडोफाइट्स, ठीक है? आगे चलते हैं। मोस्टली दे आर लैंड इनहेबिटिंग प्लांट, ओनली फ्यू फॉर्म आर एक्वेटिक। ज़्यादातर जो है ये ज़मीन पर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जो इनकी स्पीशीज़ है, कुछ जो फॉर्म्स हैं इनकी, वो एक्वेटिक मतलब पानी के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर कहाँ पर जाती हैं? लैंड इनहेबिटिंग मतलब ज़मीन पर जो है ये आबाद हैं ज़्यादातर, ठीक है? आगे चलते हैं कि ब्रायोफाइट्स आर ऑटोट्रॉफिक प्लांट। अब देखें ये पॉइंट गौर से सुनिएगा कि ब्रायोफाइट जो हैं वो ऑटोट्रॉफ मतलब अपना खाना जो है वो खुद से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है? प्लांट बिकॉज दे पॉजिस क्लोरोफिल, इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, एंड आर एबल टू मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड मटेरियल। अपना खाना खुद से बनाने के लिए ये रेडी होते हैं, ठीक है? बट अ फ्यू स्पीशीज़, अब देखें ऊपर हमने बात की कि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम जो है वो नहीं होते, ठीक है? जाइलम और फ्लोएम जो है वो नहीं होते, लेकिन यहाँ पर कहा है कि ये ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ जो होते हैं अपना खाना खुद तैयार करते हैं सूरज की है मदद से, ठीक है? क्लोरोफिल भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो आप सोच रहे हैं कि जाइलम और फ्लोएम इसके अंदर तो होता ही नहीं है, तो ये ऑटोट्रॉफ कैसे होंगे? तो मैं आपको आगे चलकर सब कुछ क्लियर करती हूँ, ठीक है? सबसे पहले इसको क्लियर कर दें कि ये जो है इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि अपना खाना खुद बनाने के लिए प्रिपेयर होता है। बट अ फ्यू स्पीशीज़ आर सेप्रोफाइटिक, मतलब कुछ जो इनकी स्पीशीज़ जो हैं वो सेप्रोफाइटिक है। अब सेप्रोफाइटिक का मतलब आपको पता है या नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि सेप्रोफाइटिक उसे कहते हैं कि जिसके जो ऑर्गेनिज़म अपना खाना जो है वो डेड ऑर्गेनिज़म से ले, उसे सेप्रोफाइटिक कहा जाता है। मतलब सड़े गड़े मरे हुए जो भी डेड ऑर्गेनिज्म से, वहाँ से जो अपना खाना ले उसे सेप्रोफाइटिक कहा जाता है, ठीक है? कुछ ऑटोट्रॉफिक इनकी स्पीशीज़ है और कुछ जो है वो सेप्रोफाइटिक, मतलब ज़्यादातर ऑटोट्रॉफ्स हैं और कुछ जो है वो सेप्रोफाइटिक है, ठीक है? अब सेप्रोफाइट आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये जो अपना खाना जो है सेप्रोफाइटिक कैसे लेते होंगे इन नेचर, एंड मैं बताती हूँ कि ग्रोन अपॉन ऑर्गेनिक मैटर, या तो ये ऑर्गेनिक मैटर के अंदर बढ़ते हैं, और रूटेन वुड या सड़ी गड़ी, रूटेन कहता है सड़ना या गड़ना, ठीक है? सड़ी गड़ी जो लकड़ी होती है इनसे भी ये अपना खाना ले सकते हैं जो सेप्रोफाइटिक होते हैं नेचर में, ठीक है?
ज़्यादा तो सारे नहीं लेते हैं रूटेन वुड से, बट जो सेप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं ब्रायोफाइट्स, वो जो है अपना खाना रूटेन वुड से लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये दिखने में कैसे होते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ब्रायोफाइट्स आर स्मॉल प्लांट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स जो हैं वो छोटे से पौधे हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटे से। द मेन बॉडी इज गेमिटोफाइट्स। अब देखो, मैंने आप लोगों को कहा था कि ये ना ही अलगी की तरह दिखता है ना ही टेरिडोफाइट्स की तरह दिखता है, लेकिन इनकी जो बॉडी जो है वो गेमिटोफाइट्स से मिलती जुलती है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं कि ट्रू रूट इज एबसेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम का फंडा जो है मैं आप लोगों को क्लियर कराती चलूँ कि ट्रू रूट्स जो होती हैं इसके अंदर एबसेंट होती है। ठीक है, ट्रू रूट्स इज एबसेंट इन ब्रायोफाइट्स, बट हेयर लाइक स्ट्रक्चर अराइज फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, अब कहते हैं असल रूट जो होती है इनके अंदर नहीं पाई जाती। ठीक है, लेकिन अब जाहिर सी बात है ये ऑटोट्रॉफ है, इनका रूट नहीं है, तो ये अपना पानी कहाँ से एब्जॉर्व करते होंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी इन्होंने बताया है कि भाई इनके अंदर जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है अराइज फ्रॉम द लोअर साइड, पौधे के नीचे तरफ, जहाँ पर नीचे की तरफ जिस जहाँ पर जो है रूट लगी हुई होती है वहाँ पर हेयर लाइक एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि पानी कंडक्शन का काम करती है। ठीक है, वाटर कंडक्शन का काम करती है, जिसे राइजॉइड्स कहते हैं। ठीक है, राइजॉइड्स जो हैं ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं, जो कि पानी कंडक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं कि इन सम प्लांट्स इट कंजिस्ट ऑफ थैलस लाइक बॉडी। अब देखो, रूट का तो काम हो गया। ठीक है, रूट की जगह पर क्या आ गए, राइजोइड्स। ठीक है, अब लीफ भी तो होते हैं पौधों में और स्टेम भी होते हैं। ठीक है, उसका काम कौन करता है, तो भाई उसका काम जो है ये थैलस लाइक बॉडी जो होती है यही करती है कि इन सम प्लांट्स इट्स कंजिस्ट ऑफ अ थैलस लाइक बॉडी। थैलस जो है ये इनकी एक मेन बॉडी कह लो या वो होता है जिसके जिसमें इन दिस केस इट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इन टू स्टेम एंड लीव्स, मतलब ये बिल्कुल चेंज नहीं होते स्टेम और लीव से। ठीक है, मतलब इन स्टेम और लीव का जो काम है वो सारा का सारा सारा कौन करता है, थैलस करता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स में जो है वो कुछ इन्होंने दिए गए प्लांट्स, एक तो मरकेंटिया और एक रिकिया। ठीक है, ये कैसे पौधे होते हैं मैं आपको दिखाते चलूँ कि ये आप देख रहे हैं, ये जो है मरकेंटिया का पौधा है जिसके अंदर ना ही ट्रू रूट है ना ही स्टेम है ना ही लीफ है, सिंपल सी एक इनकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यही इनका जो है पौधा है। ठीक है, बाकी ये सारे जो हैं ये इसके ब्रायोफाइट्स के ही पौधे हैं। दूसरा जो मैंने दिखाया आप लोगों को रिक किया, ठीक है, ये इस तरह का दिखता है। ठीक है, इसकी ये देखो, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। ठीक है, थैलस लाइक इनकी बॉडी भी है, सब कुछ है। ठीक है, तो यही आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि ब्रायोफाइट्स के जो पौधे होते हैं वो इस तरह के दिखते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा लेक्चर, समझ भी आया होगा। कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, एंड मेरी चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।